हमने आज पोएम नंबर एट ड्रीम्स कौन का ड्रीम सी एफ अलेक्जेंडर के ड्रीम के बारे में ये जो पोएम उन्होंने बनाई है वो हमने देखी राइट तो आपको होमवर्क में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा ये वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं ठीक है थीके? फिर आपको लिखना है न्यू वर्ड्स राइट जो न्यू वर्ड्स है वो लिखने हैं न्यू वर्ड्स कौन से हैं सबसे पहले तो है बियॉन्ड यानी कुछ सोच ना सके उससे परे ठीक है बियॉन्ड यानी परे तो यहाँ पे आपको बियॉन्ड लिखना है फिर है बोल्डर बोल्डर का मतलब क्या होता है बहुत ही बड़ा सा पत्थर ठीक है बी ओ यू एल डी ई आर बोल्डर फिर है क्राउन्स क्रॉन्स का मतलब क्या होता है मुकुट ओके okay. फिर आगे है बी होल्डर बी होल्डर का मतलब क्या होता है एक आदमी कैसा दिखता है उसे बी होल्डर कहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीई एच ओ एल डी आर बी होल्डर फिर है कैसल, कैसल का मतलब क्या होता है राजमहल जहां पे सब किंग रहते हैं उसे कैसल कहते हैं ओके कैसल्स फिर है नोबल नाइट्स अभी नोबल नाइट्स का मतलब क्या होता है जो महान शूरवीर होते हैं उसे नोबल नाइट्स कहते हैं तो नोबल का स्पेलिंग क्या है ओ बी एल ई नोबल नाइट्स के एन आई जी एच टी एस नोबल नाइट्स तो ये आपको न्यू न्यूवर्ड्स आपकी नोटबुक में होमवर्क में लिखने हैं ओके चलो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए वन ऑन पेज नंबर फिफ्टी वन फर्स्ट पार्ट क्या है कॉम्प्रीहेंशन ओके फर्स्ट एक्सरसाइज ए वन चूज द करेक्ट आंसर इसमें से हमें जो करेक्ट आंसर है उसे हमें चूज करना है वॉट इज बियॉन्ड द माउंटेन लाइन माउंटेन लाइन के परे क्या है द बोल्डर है द लैंड है कि द बी होल्डर है कौन है द लैंड है राइट जिसके अंदर बोल्डर बी होल्डर वो सब है डैश लुक्स लाइक ग्लासेस क्या ग्लासेस के जैसे दिख रही है ये स्ट्रीम राइट रूबीज ग्रेव्स के स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स आर यहाँ पे है ना इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस तो जो स्ट्रीम्स है वो ग्लासेस की तरह क्लियर दिख रही है द गोल्डन कैसल्स आर डैश कहा है अलोंग द है इन द एयर है कि अमोंग द पाइन ट्रीज है कहाँ पे है कैसल्स देयर गोल्डन कैसल्स हैंग इन द एयर राइट सही आंसर क्या हुआ द गोल्डन एयर राइट अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपको ये ये करने से पहले ये पूरी पोयम ठीक से पढ़नी है ओके मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द एब्जेक्टिव इन कॉलम बी यहां पे एडजेक्टिव दिए गए हैं ठीक है विदाउट रिफरिंग बैक टू द पोयम अभी एक बार आपने अगर पोयम रिफर रीड कर लिए केयरफुली तो अभी पोयम को देखे बगैर यहाँ पे हमें ये एग्जेक्टिव ज्वाइन करने हैं ओके फर्स्ट है सबसे पहले तो आप ये पोयम पूरी फिर से एक बार रीड कर दिए और फिर ये एक्सरसाइज देखिएगा ठीक है फर्स्ट है शोल्डर अभी शोल्डर के बारे में क्या था शोल्डर कैसा था उंस इट्स वेस्टर्न शोल्डर लाइट राइट तो यहाँ पे आएगा वेस्टर्न शोल्डर रूबीज रूबीज कैसी थी रूबीज रेर थी राइट right? पाइन पाइन ट्री कैसा था पाइन ट्री डार्क ग्रीन था राइट right? फिर लेडीज लेडीज कैसी थी वहां पे फेयर लेडीज राइट right? फिर ग्रेप्स ग्रेप्स कैसी थी ग्रेप्स पर्पल कलर की थी फिर है नाइट्स यानी शूरवीर वहां के कैसे थे नोबल थे राइट नोबल नाइट्स एंड कैसल्स कैसे थे कैसल्स गोल्डन कलर के थे ओके okay, तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज ए टू सॉल्व